वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। आप सभी को राधे राधे। यह एक स्पेशल सीरीज चल रहा, यह वीडियो पार्ट 6 है। हम लोगों ने एक मुहिम शुरू किया है। हम लोगों का मानना है कि साइंस की तरह लॉ पेपर में भी नंबर आ सकता है। मेंस में एवरेज मार्किंग का होना या नंबर कम आना यह एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या है, और इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने यह स्पेशल सीरीज शुरू किया है। अगर आपके भी मेंस में कम नंबर आ रहे हैं तो आप निराश मत होइए। आरटीआई के द्वारा अपनी कॉपी को निकलवाइए और स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। कुछ बच्चे लोगों के मैसेज आएगी, सर आरटीआई से कहीं कॉपी निकलवाएं, तो कहीं ऐसा नहीं कि वो रोल नंबर नोट कर लें, कभी पास ही ना करें। तो देखिए, ये सब अनाप शनाप की फजूल सी बातें हैं, हवाबाजी हैं। आप सुनी सुनाई और इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। आरटीआई से कॉपी लेना आपका कानूनी अधिकार है, आप कानून के छात्र हैं, और ये अनाप शनाप की चीज़ें अपने माइंड से निकाल दें। उससे निगेटिविटी बढ़ती है और किसी भी तरह का किसी को भी कोई फायदा नहीं है उससे। बाकी इस सीरीज के जो वीडियोज पोस्ट हुए आप उन्हें भी देखिएगा। अब चूंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बहुत सारी चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है, तो इस वीडियो में मैं पिछली चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। इस वीडियो में मैं मेंस का क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और स्टूडेंट ने जो आंसर लिखे आरटीआई से, जो उनकी मेंस की कॉपी निकाली गई, वो पढ़ के सुनाऊंगा। उन्हें कितने नंबर मिला वो भी बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पर। दो स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया है इस पर्पस के लिए, और कुछ स्टूडेंट के कमेंट की सर आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस सब तो नया वाला लागू होगा। तो देखिए, नया लागू हो पुराना लागू हो, ऑलमोस्ट रफली स्पीकिंग सारा कुछ सेम ही है, केवल सेक्शन को इधर से उधर कर दिया गया है। तो खैर, अब नया जब भी हो, जिसके लिए भी हो, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि मेंस में आप कैसे लिखें, क्या लिखें, किस तरह से लिखें, ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आज हम लोगों ने किडनैपिंग से क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, स्टूडेंट ने इसे लिखा है। ये स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 मैं पढ़ के सुनाता हूँ। डिस्कस द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। How does it differ from the offense of abduction? Refer to case law. तो आपको 359 में देखेंगे किडनैपिंग दो तरह की, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप को सेक्शन 361 में डिफाइन किया गया है। तो आपको सेक्शन 361 लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है, मतलब आप कोशिश करें कि रेलिवेंट लिखें। अब किडनैपिंग और एबडक्शन में क्या डिफरेंसेज है वो पूछा गया है, केस लॉ को पूछा गया। 10+10+5 25 नंबर का ये क्वेश्चन है। व्यपहरण को किडनैपिंग कहते हैं और अपहरण को एबडक्शन कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं, एक आंसर आपके सामने मैं निकालता हूँ क्या लिखा गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से 363 तक में व्यपहरण तथा अपहरण को प्रावधानित किया गया है। इनकी पहली लाइन है, आपका लिखना ये गलत नहीं है, लेकिन लिखना आपका सही है, लेकिन ये लिखना आपका रेलिवेंट नहीं है। आप किताब नहीं लिख रहे हैं, आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं। किताबों के लिए, थेसिस पेपर के लिए ऐसी लाइनें ठीक हैं, लेकिन मेंस के लिए आप अगर ऐसे लिखें तो ये बुकिश टाइप का लगता है। आपसे सिर्फ पूछा गया लॉफुल गार्जियनशिप, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, तो ये पहला पैरा उतना ही अच्छा नहीं लिखा इन्होंने।
व्यभरण से आशय बाल चोरी से ये ठीक है, इन अपराधों में व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया जाता। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता तो हर अपराध में बाधित होती है, तो ये हवाबाजी है जबरदस्ती का लिखा हुआ। धारा 359 में व्यभरण दो प्रकार का बताया गया, फिर इन्होंने वही शुरू कर दिया। धारा 359, भारत में से व्यभरण तथा विधि पूर्वक पूर्ण संरक्षता में से व्यभरण। आपका पूछा गया विधि पूर्ण संरक्षता में से व्यभरण, जो क्वेश्चन का पार्ट है। धारा 360 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को जिसे विकृत या अवश्य शामिल है उसकी सम्मति या उसके संरक्षक की सम्मति के बिना, मतलब ये किडनैपिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, तो ये तो क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है। आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप क्वेश्चन के कम से कम 2 से 3 रीडिंग अवश्य दें। आप देखिए, डिस्कस द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप स्पेसिफिक लिखें। किडनैपिंग ऑफ माइनर नहीं पूछा गया है। अगर आप इरेलीवेंट लिखेंगे तो फिर आपको नंबर नहीं आएंगे, एवरेज नंबर आएंगे। इन्होंने कोई बुरा नहीं लिखा, अच्छा लिखा, लेकिन इनके नंबर बहुत कम आए हैं। तो इन चीजों से बचिएगा। आप क्वेश्चन को 2 से 3 रीडिंग जरूर दीजिए आंसर लिखने से पहले। ये क्वेश्चन 3 पार्ट में है, आपको किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप और किडनैपिंग एब्डक्शन में डिफरेंस और केस लॉ, 3 पार्ट में 10-10 नंबर, 10-10 और 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। 6 पेज तकरीबन आपको लिखना। आ जाते इनके फिर आगे क्या लिखा इन्होंने। धारा 360 लिख दिया जो कि टोटली इरेलीवेंट है। केस का नाम क्यों लिख दिया, केस में क्या कहा गया वो नहीं लिखा गया है। 1949 संशोधन से नर जो 16 वर्ष तथा नारी जो 18 वर्ष की होगी इस धारा के अंतर्गत आएंगे। धारा 361 के अनुसार जो व्यक्ति किसी नर जो 16 वर्ष का हो या नारी जो 18 वर्ष की हो उसके संरक्षक की सहमति से हताश व विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यभरण का दोषी होगा। ठीक से इन्होंने नहीं लिखा है। बरद राजन का केस लिखा है, इस वाद में एक लड़की अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर अभियुक्त साथ विभिन्न स्थानों पर जाती है तथा बाद में शादी कर लेती है। यहाँ लड़के को व्यभरण का दोषी नहीं माना गया क्योंकि उसने लड़की को उत्प्रेरित नहीं किया था। आवश्यक तत्व देखिए, बरद राजन का केस एक हिस्टोरिक केस। बरद राजन के केस में इस चीज को हाईलाइट किया गया कि जब तक टेकिंग अवे या इंड्यूसमेंट ना हो तब तक किडनैपिंग नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आंसर लिखना है। इन्होंने केस का नाम तो लिखा है लेकिन केस के फैक्ट को ठीक तरीके से ये नहीं लिख पाए। इनको आवश्यक तत्व किसी अवयस्क या विकृत चित को बहका ले जाना, ऐसा व्यक्ति है यदि नर हो तो 16 वर्ष या नारी 18 वर्ष की होनी चाहिए। विधिक संरक्षता से हटाना। अब अपहरण का धारा 362 के अनुसार जो कोई किसी भी उम्र के व्यक्ति को बल के प्रयोग के द्वारा हटाएगा वह अपहरण का अपराध करेगा। अपहरण एक निरंतरित चलने वाला अपराध है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस, या प्रत्येक उच्चारण तक चलता रहता है जब तक कार्य पूरा नहीं होता। अब कौन सा कार्य, ननुआ का वाद, इस वाद में घटित किया गया कि अपहरण के लिए बल का प्रयोग अनिवार्य है। बल या डिसीटफुल मींस, इन्होंने फैक्ट्स को उतने अच्छे तरीके से नहीं लिखा। अभ्यपहरण तथा अपहरण में अंतर ये इन्होंने थोड़ा ठीक है। अपहरण की परिभाषा 359 से 361 में दी गई है। अपहरण की धारा 362 में परिभाषित किया गया व्यभरण को
किए गए व्यक्ति की आयु नर होने की दशा में 16 वर्ष तथा नारी होने की दिशा में 18 वर्ष होनी चाहिए। अपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है। व्यापहरण में सहमति का कोई महत्व नहीं होता, अपहरण में होता है। व्यापहरण में बल प्रयोग नहीं किया जाता, अपहरण में बल प्रयोग अनिवार्य है। व्यापहरण में संरक्षता से हटाना अनिवार्य है, अपहरण में संरक्षता महत्वहीन है। अब इनको 25 में 13 नंबर आए हैं, मतलब अच्छे नंबर नहीं है, 20-21 तक नंबर आ सकते हैं। अब कैसे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसी पर्पस के लिए हम लोगों ने ये वीडियो शुरू किया है। आप में से किसी को भी मेन संबंधित कोई परेशानी है तो आप जरूर संपर्क कीजिए, हम लोग हर किसी की मदद करते हैं, अच्छा लगता है हम लोगों को। अब एक मैं दूसरा आंसर आपको पढ़ के दिखाता हूँ, किसी दूसरे स्टूडेंट का। इनकी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। अब 359 की जगह इन्होंने 159 लिख दिया है, यह स्क्रीन पे देखिए। आईपीसी की सेक्शन 159 में व्यवहारण को प्रावधान किया गया। धारा 169 के अनुसार अपहरण दो प्रकार के होते हैं। भारत में से व्यवहारण विधि पूर्वक, संरक्षता में से अपहरण 361। अब इन्होंने भी वही गलती, आप जनरल आंसर लिखेंगे तो जनरल नंबर मिलेंगे आपको। आईपीसी की धारा इसका प्रावधान करती है, तीन जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो नर है 16 वर्ष और नारी 18 वर्ष, तो उसका हो सकता है अपहरण उसकी सहमति के बिना उसके विधि पूर्ण। अब अपहरण में कंसेंट इज इमेटेरियल, अब इन्होंने कंसेंट लिख दिया है और आगे लिखा है विधि पूर्वक सरलता का तात्पर्य उस बच्चे को प्राकृतिक अभिभावक से अथवा उसकी देख रेख करने वाला। एक बात में बच्चा का पिता अपने बच्चे को बगल के पड़ोसी के यहाँ छोड़कर चला जाता था और शाम को आकर ले आता था। एक दिन उस बच्चे की माँ उस पड़ोसी के घर जाकर उस बच्चे को ले आई। निर्णित हुआ कि माँ धारा 361 की दोषी होगी। इन्होंने एक वाद में, मतलब उस वाद का नाम वाम नहीं लिखा है और केस के फैक्ट को गलत लिखा। टालसन के बाद में एक लड़की ने अपनी उम्र 19 वर्ष बताई तथा लड़के ने उसे अपने साथ ले गया। बाद में उस लड़की के पिता ने उस पर किडनैपिंग का मुकदमा किया और कहा कि मेरी लड़की 18 वर्ष से कम की है। तो वहाँ उस लड़के ने कहा कि इसने कहा था मैं 19 वर्ष की हूँ। निर्णित हुआ कि वह व्यक्ति 361 का दोषी नहीं होगा। इन्होंने जस्ट उल्टा लिख दिया और गलत लिखा। अपहरण धारा 362 की, धारा 362 अपहरण का प्रावधान करती है। धारा 362 के अनुसार जो कोई उस जगह से हटाता है उसे कहा जाता है कि उसने अपहरण का अपराध किया। अब यह अंतर लिखा है इन्होंने 361 और 362। नर है तो 16 वर्ष, नारी है तो 18 वर्ष। सहमति का कोई महत्व नहीं, यहाँ पे ठीक लिखा लेकिन अंदर किडनैपिंग में सहमति को मैटेरियल लिख दिया। अगर कोई सहमति से अपहरण करता है तो अपराध गठित नहीं होता। इसमें व्यक्ति की विधि पूर्वक संरक्षता से हटाया जाता है अपहरण में, मतलब ये मैं आपको एक ऐसे ही ये जनरल सा आंसर लिखा हुआ है। इनको 12 नंबर आया है और उनको 13 नंबर आया। एक और कॉपी है हमारे पास, कॉपीज तो बहुत सारी हैं हमारे पास, बहुत सारे बच्चे लोगों ने निकलवाई है। अब उनको 25 में 7 नंबर आया, 7, किसी को 8, किसी को 12-13। ऐसे मतलब आप इसे थोड़ा ढंग से लिखिए। अब देखिए ये हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, वो मैं आपको बता रहा हूं। आपसे व्यपहरण, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप,
से पूछा गया है, जिसका सेक्शन 361 है। तो आप लिखेंगे इसको आंसर, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 361 आईपीसी। इट सेज दैट हूएवर टेक्स अवे और इंटाइसेज एनी गर्ल, अब आगे कंप्लीट कीजिए इसको, आपको टेक्स अवे और इंटाइसेज, टेकिंग अवे और इंटाइसमेंट इज द जिस्ट ऑफ ऑफेंस फॉर किडनैपिंग। अगर टेकिंग अवे और इंटाइसमेंट नहीं है तो बहुत ही हिस्टोरिक केस है सुप्रीम कोर्ट का, एस वरदराजन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में एक कोई लड़की थी, वो उसकी दोस्ती एक सीनियर स्टूडेंट से हो गई, वो लव अफेयर था उनका, तो वो लड़की अपनी मर्जी से अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर लड़के के पास चली गई। लड़के ने उसे समझाया कि तुम अपने घर को लौट जाओ, लेकिन वो जाने को राजी नहीं हुई। तो लड़के ने फिर कोई होनी अनहोनी ना हो उसे अलाउ कर दिया अपने साथ रहने के लिए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली ये डिफ्रेंशिएट किया है कि टेकिंग अवे और इंटाइसिंग, टेकिंग अवे बाय एल्योरमेंट, बाय इंटाइसमेंट, और सिंपल तरीके से अगर अलाउ कर देते हैं कि ठीक है तुम मेरे साथ रहो, उसने कोई एक्ट नहीं किया, लड़की खुद चल के गई। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज को किडनैपिंग का दोषी नहीं पाया। तो आप ऐसे आपकी ओपनिंग लाइन कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 361 आईपीसी, इट सेज दैट हूएवर टेक्स अवे और इंटाइसेज एनी मेल अंडर 18 ईयर ऑफ एज, मेल तो 16 है, मेल अंडर 16 ईयर ऑफ एज और मेल चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड 18, ये सारा चीज आप लोग जानते हैं, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे, और गर्ल अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, और आगे का सेंटेंस और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इसी में दिया हुआ है आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप of such minor without consent of such guardian, so he is said to kidnap such person from lawful guardianship. आप उसके lawful guardian के बगैर permission के ले जाते हैं तो ये कहा जाएगा, इसका explanation दिया हुआ है कि lawful guardian any person lawfully interested with the care or custody of such minor. अब मान लीजिए कोई बच्चा बाल सुधार गृह में, तो बाल सुधार गृह का जो हेड है उसके कस्टडी में है, उसके परमिशन से, अगर उसके परमिशन के बगैर अगर कोई किसी माइनर को वहाँ से लेके चला जाता है तो ऑफेंस बन जाएगा। अगर माइनर अपनी मर्जी से भी आता है आपके पास, मतलब आपने इंटाइस किया माइनर को और माइनर आपने कहा कि चलो बेटा टॉफी खिलाएंगे आपको, तो ये ऑफर देना कि चलो ट्रॉफी खिलाएंगे, ये इंटाइसमेंट है एंड इट अमाउंट्स टेकिंग अवे, और ऑफेंस कंप्लीट हो गया। तो कहने का मतलब कि ये आपको पूरा लिखना है अच्छे तरीके से, और
एक्सेप्शन इसमें दिया है कि कोई अगर गुड फेथ में बिलीव करता है खुद को कि हिमसेल्फ टू बी फादर ऑफ एन इलिजिटिमेट चाइल्ड, और गुड फेथ अगर बिलीव करता है कि वो लॉफुली इंटाइटल्ड है कस्टडी के लिए, तो उसे किडनैपिंग के अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा अनलेस अंटिल हिज इंटेंशन इज फॉर इमोरल और अनलॉफुल पर्पस। तो आपको ऐसे लिखना है, इसमें केस ही केस है आपका, एस वरदराजन का बहुत ही लीडिंग केस है, एस वरदराजन के बाद आपका ठाकुर लाल का केस है स्टेट ऑफ गुजरात सुप्रीम कोर्ट का, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज राजा राम है, विश्वनाथ मल्लिक का केस है, प्रकाश वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा सुप्रीम कोर्ट का केस है, बासा वर्सेज स्टेट, कई सारे अनेकों केसेज हैं। अब मैं जैसे आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि इस तरह से आप मेंस में लिखेंगे। अब जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का कि भैया किडनैपिंग और एबडक्शन में क्या अंतर है, तो किडनैपिंग और एबडक्शन में आप लिखें इस तरीके से, ये हो गया किडनैपिंग, ये आपका एबडक्शन हो गया। आपका किडनैपिंग अगर लॉफुल गार्जियनशिप, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, तो ये सिर्फ माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इन्हीं लोगों का हो सकता है, और ये किसी भी एज के पर्सन का हो सकता है। पहला आपका डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इसमें पर्सन किडनैप्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ए पर्सन किडनैप्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, तो किडनैपिंग जो है ना कस्टडी राइट, जो गार्जियन का कस्टडी राइट है उस माइनर का, किडनैपिंग इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द लॉफुल गार्जियनशिप। अगर किसी का कोई लॉफुल गार्जियन नहीं है तो डेड चाइल्ड लिटरली किडनैप नहीं हो सकता। तो किडनैपिंग के लिए एटलीस्ट लॉफुल गार्जियन का होना चाहिए, एबडक्शन में ये कोई जरूरी नहीं है लॉफुल गार्जियन का होना। इसमें आपका इंटाइसमेंट या टेकिंग अवे जरूरी है, इंटाइसमेंट इंड्यूसमेंट, इसमें फोर्स या डिसीटफुल मींस का होना जरूरी है। किडनैपिंग में कंसेंट ऑफ पर्सन किडनैप इमेटेरियल, और एबडक्शन में डेट इज वेरी मच मेटेरियल। किडनैपिंग विदाउट मेंस दिया, किडनैपर का इंटेंशन क्या है वो टोटली इरेलीवेंट है। और एबडक्शन में दिस इंटेंशन इज एक्सट्रीमली क्रूशियल, एबडक्शन अन्य ऑफेंस के साथ ऑफेंस है। आप जब 362 पढ़ेंगे तो एबडक्शन मस्ट बी कपल्ड विथ अदर ऑफेंसेस।
वो हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। किडनैपिंग कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, नॉट ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस, और ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। कंटिन्यूइंग ऑफेंस जो हर पल हर समय होता, तो ऐसा इसलिए कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमने आपके कान पे पिस्टल लगाया, मतलब फोर्स का प्रयोग किया, आपको एबडक्ट कर लिया, आपका एबडक्शन कर लिया। जैसे ही मैं पिस्टल हटा लूं, मैं ना रहूं वहां पे, तो आप रुकेंगे नहीं, भाग जाएंगे वहां से। या जैसे ही डिसीटफुल मीन्स को हटा लिया जाए, तो कोई एबडक्टेड नहीं रहेगा। तो एज लॉन्ग फोर्स और डिसीटफुल मीन्स कंटिन्यूज, सो लॉन्ग एबडक्शन कंटिन्यूज। और ये किडनैपिंग सब्सटैंटिव ऑफेंस है, और एबडक्शन जो है ऑक्जिलरी एक्ट है, नॉट पनिशेबल बाई इट सेल्फ अनलेस एकम्पेनिड विद सम अदर क्रिमिनल इंटेंट। वो 364, 365, 366 आगे है। ए पर्टिकुलर पर्पस इज नेसेसरी टू बी एस्टेब्लिश टू वारंट कन्विक्शन टू द एक्यूज। तो इस केस लॉ, इसमें हमने आपको बहुत सारे केस लॉ बताया, तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको 18, 19, 20 नंबर तक आ सकता है। तो मतलब कहने का मतलब कि देखिए, मेंस में नंबर का आना, एग्जामिनर भी इंसान है। अब मान लीजिए कि मैं ही, मुझे ही एग्जामिनर बना दिया जाए थोड़ी देर के लिए, और किसी दिन मैं गुस्से में हूँ, तो हो सकता है कि उस दिन मैं उतने अच्छे नंबर ना दूँ। किसी दिन मेरा मूड ठीक है, हो सकता है मैं थोड़े अच्छे नंबर दे दिया। तो ये अप्स डाउन्स चलती रहेंगी, आपको इसी माहौल में जीने की कला सीखनी है, इसी माहौल में खुद को एडजस्ट करना। तो हम लोगों ने तो मुहिम ये शुरू किया ही किया है कि भाई मेंस में बहुत अच्छे नंबर, मेंस की तैयारी में आपकी पीटी की भी तैयारी, इंटरव्यू की भी तैयारी होती रहती है। आप मेंस का तब तक नहीं कर सकते, पिछले वीडियो में मैं रिपीट नहीं करा, लेकिन जरूरी है बताना। स्टेज वन आप बेसिक, जैसे क्या किडनैपिंग है, लॉफुल गार्जियनशिप से कैसे होता है, केस लॉ क्या है, एबडक्शन क्या है, क्यों एबडक्शन कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, क्यों किडनैपिंग कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, क्यों, ये जितनी सारी चीजें, तो ये सारी बेसिक आपको क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए, तभी आप आंसर लिख पाएंगे। अगर वो बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है, अगर उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप फिर आंसर नहीं लिख सकते। अगर बेसिक क्लैरिटी के साथ है, तो आंसर लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। तो आपको अगर किसी भी तरह की समस्या है, तो हम लोग हैं ही आपकी मदद करने के लिए। अंत में, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ हर स्टूडेंट को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।